साथियों, जब देश में मजबूत सरकार होती है तब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे फैसले लिए जाते हैं। जब देश में मजबूत सरकार होती है तब डोकलाम जैसे संवेदनशील विषय पर हिंदुस्तान अडिगता के साथ खड़ा हो सकता है। जब देश में मजबूत सरकार होती है तब दुनिया में अपनी बातों को पहुंचाता है और दुनिया भारत की बातों को गौर से सुनती है। जब मजबूत सरकार होती है तब वन रैंक वन पेंशन का दशकों पुराना वादा पूरा किया जाता है। जब मजबूत सरकार होती है तभी दशकों से अटका हुआ बेनामी संपत्ति कानून लागू होता है। साथियों, बरसों तक कांग्रेस और उसके साथी उन लोगों की संपत्तियों पर मेहरबान रहे जो बंटवारे के समय, भारत विभाजन के समय जो लोग हिंदुस्तान को छोड़कर के पाकिस्तान चले गए थे, उनकी संपत्ति यहां थी। आजाद भारत को उस संपत्ति को कब्जा करना चाहिए था, लेकिन ये कांग्रेस और उसकी महामिलावटी दुनिया वोट बैंक की फिराक में ये दुश्मनों की संपत्ति को जब्त करना भी टालती रही थी। ये चौकीदार की मजबूत सरकार, ये चौकीदार की मजबूत सरकार ने शत्रु संपत्ति कानून, साथियों ये आपके लिए महत्वपूर्ण समाचार है, शत्रु संपत्ति कानून लागू किया और अब तक 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की शत्रु संपत्ति हमने जब्त कर ली है। ये काम सन 47 में होना चाहिए था। 70 साल तक देश को मोदी का इंतजार करना पड़ा भाई। साथियों, जब मजबूत सरकार होती है तब भारत का पानी भारत के ही काम आए ये प्रबंध किया जाता है, वरना कांग्रेस की सरकारों ने दशकों तक शासन चलाया, भारत के हक का पानी पाकिस्तान जाता रहा, हमारा बीकानेर, हमारा राजस्थान बूंद बूंद पानी के लिए तरसता रहा।